दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हुई मूवी कॉलर बॉम्ब की, तो वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखें। दोस्तों कॉलर बॉम्ब 1.5 घंटे लंबी एक थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे जिम्मी शेरगिल। दोस्तों मूवी की बात करूं तो ये मूवी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे। दोस्तों पूरी मूवी में कुछ ही टाइम थ्रिल देखने को मिला, बाकी ये फुल टाइम वेस्ट मूवी है अगर आप थ्रिलर मूवी समझ के देखने बैठे हो तो। हाँ, लेकिन इस मूवी का क्लाइमैक्स थोड़ा अच्छा है, क्लाइमैक्स में एक फ्लैशबैक कहानी देखने को मिलती है, वो भी ठीक ठाक लगी। बाकी पूरी मूवी में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आपको इम्प्रेस कर पाए। और दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो जिम्मी शेरगिल परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। अगर जिम्मी शेरगिल कैरेक्टर को कुछ अच्छे से मूवी की लेंथ को बढ़ा के दिखाया जाता तो शायद ये मूवी अच्छी हो सकती थी। मूवी के डायलॉग काफ़ी अच्छे लगे। तो दोस्तों कॉलर बॉम्ब में कुछ अलग या कुछ खास या कुछ थ्रिल देखने को उम्मीद मत लगा के देखना, वरना आपको निराशा ही हाथ लगेगी। दोस्तों यही था हमारा रिव्यू कॉलर बॉम्ब मूवी का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।